हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज पर्यावरण संरक्षण एवं सैसोवा रविवासरी वृक्षारोपण समारोह के इस ऐतिहासिक आयोजन के क्रम का शुभारंभ परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी एवं सभी के क्रम से दीप प्रज्वलन के माध्यम से हो रहा है। ये हम सभी संवेद भाव से इससे जुड़ते हैं। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो धर्म चूर्णामेणो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। गुरु चरणों में पुष्पांजलि भावांजलि हम समर्पित करते हैं। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपाय विद्यै भगवत्यै। श्रद्धेय के करकमलों से हमारे परम आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी का स्वागत अभिनंदन। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से इस क्रम में जुड़ते हैं। साथ ही साथ निवेदन प्रार्थना परम आदरणीय कुलपति महोदय से कि वे परम श्रद्धेय का स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से करें और हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। सभी से निवेदन कृपया कुलगीत हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलगीत का गान हम सभी साथ साथ करने जा रहे हैं। अपने स्थान पर कृपया खड़े होकर आइए हम सभी कुलगीत का गान करें। विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। बोध गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन के दिव्य ममतामयी रस धार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। है यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व तिलक का उन्हें अपना सगा परिवार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य गुरुदेव कि वह दिव्य प्रेरणा जिसने इस युग को बदलने की योजना युग निर्माण योजना प्रदान की विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंचाया
और परम श्रद्धेय जिस रूप में उस योजना को पूरे विश्व में लेकर के जा रहे हैं और इस युवा देश के युवाओं का जागरण करते हुए उन्होंने दशकों से जो युवाओं को प्रेरणा दी उसमें से एक टीम GPYG गायत्री परिवार यूथ ग्रुप कोलकाता जिसने वर्ष 2010 में परम श्रद्धेय की प्रेरणा से वृक्षारोपण के इस क्रम को आरंभ किया और आज का एक ऐतिहासिक अवसर जब 600वां रविवासरीय वृक्षारोपण समारोह हम सब मना रहे हैं एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ उस संकल्प का सभी सृजन सैनिकों का हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज की भूमि से नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है इसको हम सबको बताने के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता की गोद में जिनका बचपन बीता परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम श्रद्धेय जी का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पा करके जो युग निर्माण योजना विशाल क्रांति की अलग को परम श्रद्धेय के मार्गदर्शन में यूनाइटेड नेशंस हो WHO हो यूनेस्को हो वैश्विक मंचों पर ले जा रहे हैं और गायत्री और यज्ञ की व्यावहारिकता वैज्ञानिकता का दर्शन कराते हुए ऐसी युवा क्रांति में एक युवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया कार्यक्रम की पृष्ठभूमि से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र त्रिपदा गायत्री को समर्पित मंत्र है। तीन सूत्रों, तीन संकेतों, तीन संदेशों को आत्मसात करने की प्रेरणा हमको प्रदान करता है। ये कहता है कि जीवन में पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार यानी तीन सद्भावों का, सद्वृत्तियों का समावेश हमारे जीवन में हो सके और उस ओर चलने की प्रेरणा देता है जिस ओर चलने के बाद मनुष्य के व्यक्तित्व में उज्ज्वलता, आलोक, प्रकाश, पवित्रता जन्म ले पाते हैं। इस भाव के साथ कि वो सारे गुण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकें, एक बार माँ गायत्री का ये पवन मंत्र साथ साथ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र पुनीत पावन अवसर जब हम लोग एक महत्वपूर्ण संकल्प के 600वें सप्ताह को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं तो इस शुभ अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में उपस्थित हम सबके आदरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित आदरणीय श्री मुनगुंटीवार जी भाई साहब जिनका पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो जग जाहिर है, एक बड़े ही यशस्वी और कर्मठ कार्यकर्ता। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और विशेष रूप से कलकत्ता से, केरल से, विभिन्न भारत के स्थानों से आए, मध्य प्रदेश से आए गायत्री परिवार के वो कार्यकर्तागण जिनका जीवन पर्यावरण के संरक्षण के लिए निरत रहा है और वो सारे के सारे कर्मठ सशक्त भाई बहन जिनने इसी उद्देश्य के लिए पिछले 600 सप्ताहों को अपने आप को निरत किया। यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मित्रों आज एक बड़े ही दिव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला और सौभाग्य ऐसा है कि ये जो अवसर है वो देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि से मिला। ये जो देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि है, इस पवित्र भूमि को ये सौभाग्य मिला कि यहाँ से ऋषियों की, मुनियों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं ने अनेकों बार जन्म लिया और उन महामनीषियों के द्वारा अनेकों ऐसी ईश्वरीय प्रेरणाओं को, परंपराओं को समाज को प्रदान किया गया जिनके द्वारा भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नया चिंतन और नई दिशा प्राप्त कर पाने का सौभाग्य मिला। और उन अनेकों परंपराओं में मैं कहता हूँ कि हरिद्वार के भाग्य में, सौभाग्य में
एक ऐसा अवसर आया जिसके कारण आज हरिद्वार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र में बड़ी गंभीर दृष्टि के साथ जाना जाता है। और वो जो परंपरा है वो कुंभ की परंपरा है। कुंभ को हम लोग भारतीय संस्कृति का मेरुदंड कह करके पुकारते हैं, और इसीलिए वायु पुराण है, नारदी पुराण है, यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा है, अथर्वेद का पूर्ण कुंभोदिकालम है। ये कुंभ की तारीफ करते, प्रशंसा करते अघाते नहीं हैं। आप सोचेंगे कि अवसर वृक्षारोपण का है तो मैं कुंभ का उल्लेख क्यों कर रहा हूँ। उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुंभ की स्थापना के पीछे का जो रूपक है और जो कथानक है उसका बड़ा गहरा और सीधा संबंध आज के इस कार्यक्रम से है। हम लोग स्मरण करके देखें कि कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि जब महर्षि दुर्वासा का श्राप लगा तो उसके बाद देवताओं की शक्ति कुंद पड़ी, क्षीण पड़ी। भगवान विष्णु के पास वो आश्रय लेने के लिए गए और भगवान विष्णु ने कहा कि एक ही तरीका है कि समुद्र के अंदर से रत्नों को निकाला जाए, मंथन किया जाए, और जो रत्न निकलेंगे उनको देवता धारण करें ताकि उनकी खोई हुई शक्ति उनको वापस मिल सके। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, समुद्र को मथा गया। और जो खास बात है वो ये बात है कि उसके बाद पहला रत्न निकल करके आया। भारतीय संस्कृति का ये बड़ा अद्भुत चिंतन रहा कि हम लोगों ने विष को पहला रत्न माना, और यदि उस विष को भगवान शिव ने धारण न किया होता तो शायद सृष्टि का अस्तित्व वहीं समाप्त हो गया होता। अंत में जब अमृत निकला और उसको लेकर के जयंत भागे तो भगवान सूर्य ने, भगवान चंद्र ने, भगवान शनि ने, भगवान बृहस्पति ने अपनी अपनी शक्तियों के माध्यम से घट को फूटने से रोका। चार बूंदें तब भी गिरी और जो पहली बूंद गिरी वो हरिद्वार की धरती पर गिरी। इस रूपक का जो मूल्य है वो ये है कि हरिद्वार की धरती के अंदर ये संभावना है कि ये विष को अमृत में बदल सकती है। ये अकेली वो धरती है जहाँ पर परमात्मा ने सौभाग्य देकर के भेजा कि यहाँ पर हम संघर्ष की राहों को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और वो चिंतन भारतीय संस्कृति का शायद सबसे महत्वपूर्ण चिंतन है जो ये कहता है कि यदि मानवता को अमृत का पान कराना है तो पहले किसी महादेव को नीलकंठ बनना पड़ता है। यदि धरती पर गंगा का अवतरण कराना है तो पहले भागीरथ को तपना पड़ता है। यदि भगवान राम को राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी है तो पहले वनवास से गुजरना पड़ता है। यदि पांडवों को धर्मराज्य मिलना है तो उससे पहले उनको वन वन भटकना पड़ता है। ये भारतीय संस्कृति का चिंतन है कि विष की राहों से गुजरने के बाद ही अमृत की धारा नसीब हो पाती है। और आज के समय का जो विष है वो पर्यावरण का विष है। हम लोग परिचित हैं उस असुर से जो आज पर्यावरण प्रदूषण के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। और ये जो समस्या है पर्यावरण की, वो ऐसा नहीं कि एक वर्ग की, एक देश की, एक जाति की, एक वर्ण की, एक मोहल्ले की समस्या है। आप कल्पना करके देखिए कि यदि हवा ही सांस लेने लायक ना हो, पानी पीने लायक ना हो, धरती अन्न उपजाने से मना कर दे तो उसका प्रभाव क्या एक व्यक्ति पर पड़ेगा या संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा? संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा ही नहीं, पड़ रहा है। हम ये ध्यान से देखें आंकड़ों को, यदि हम वायु प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो आज 76% भारतीय विषैली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। भारत में लगभग 80% शहर ऐसे हैं जहां पर हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हर आठवां व्यक्ति जो भारत में मर रहा है वो वायु प्रदूषण के कारण मर रहा है। युद्ध से, आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे जितने अकेले वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। अकेले दिल्ली को आप उठा करके देखें तो 10 लाख बच्चे वहाँ इस स्थिति में हैं कि 8 साल का बच्चा नहीं होता कि उसकी फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो 20 साल से सिगरेट पी रहा है। 8 साल के बच्चे ने तो पी नहीं, तो निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति के गुनाहों के दंड को भुगतने के लिए मजबूर है जो उसने किया नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, और जो मिट्टी है वो अन्न उपजाने से मना कर रही है। 30% आज की तारीख में इस भारत की भूमि की धरती बंजर हो चली है। 150 में से 124 के करीब ग्लेशियर नेशनल पार्क के पिघल चुके हैं। हर रोज 150 के करीब प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। और ये जो समस्या है वो तो आज की है। आज की तारीख में समझदार जो लोग हैं उनकी समझदारी का तकाजा ये कहता है कि हम लोग उन सारे कारणों पर रोक लगाएं जिसके कारण आज की स्थिति ने जन्म लिया। आप फैक्ट्रीज को गैस हाउस के उत्सर्जन से रोकें, ट्रैफिक के ऊपर नियंत्रण लगाएं, वृक्षारोपण को शुरू करें, और यदि वो सारा का सारा कर लिया जाए तो स्थिति ये कहती है कि यदि गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया जाए तब भी इसको सही मार्ग पर लाने में 20 वर्ष लगने वाले हैं। इतनी स्थिति गलत दिशा में चली गई। पर आप सोच के देखिए, मूर्खता की स्थिति यह है कि ब्रेक पर पैर लगाना तो बहुत दूर की बात है, लोग एक्सीलेटर पर दबाने को तैयार हैं।
पेड़ कटते चले जा रहे हैं, कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो 10% बढ़ा चुके हैं। और ऐसी स्थिति में एक सामान्य सा प्रश्न उभरता है कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में किस तरह की आबोहवा नसीब होगी। यदि बात समाधान की है तो पहले प्रश्न डायग्नोसिस का आता है। हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है तो पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है। यदि सोच करके देखें तो जो प्रॉब्लम है उसके आइडेंटिफिकेशन का मूल कारण एक ही है कि मनुष्य के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया। जब तक मनुष्य की भावना ये थी कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये जो धरती है उसको हम लोग अपनी माँ की तरह से मानते हैं। बच्चा बिस्तर से उतरता था तो कहता था विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, धरती आप हमें धारण करती हैं, आपके ऊपर मैं पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे को मंत्र सिखाया जाता था, तब तक व्यक्ति प्रकृति के साथ साहचर्य के भाव से रहता था। और जब से ये हुआ कि हम इसमें से क्या ले सकते हैं, प्रकृति माँ नहीं नौकरानी है, पानी को हम लोग बांट लें, पेड़ को हम लोग काट लें, तब से स्थिति जो है भयावह होती चली गई है। और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे में जब समाधान के स्वर की बात आती है तो गायत्री परिवार हमेशा की तरह से एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ नजर आता है। आज से 12 वर्ष पहले जो कलकत्ता की रवि भाई साहब की टीम यहाँ पर उपस्थित है, इनकी टीम ने 31 अक्टूबर 2010 को ये संकल्प लिया कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में हम लोग वृक्षारोपण के अपने संकल्प को रोकने वाले नहीं हैं। और आज वो संकल्प देखते देखते भारत के 300 से ज़्यादा शहरों में फैल गया है, लाखों के करीब पेड़ लगाए जा चुके हैं, यूनाइटेड नेशन ने उसको सम्मानित किया, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, भारत की सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया, और आज वो यात्रा बढ़ते बढ़ते 600वें सप्ताह तक पहुँची। तो आज की जो यात्रा है वो बड़ी ही गौरवान्वित कर देने वाली है कि एक संकल्प जो एक छोटे से स्तर पर दो लोगों के मध्य में उभरा, वो देखते देखते आज इस विशाल काय आंदोलन के रूप में बदल चुका है। और उसका परिणाम हम लोग अपनी आँखों के सामने इस दृष्टि से देख सकते हैं कि अनेकों लोग उस संकल्प को लेकर गुजरात में, दक्षिण भारत में और भारत के विभिन्न कोनों में खड़े हुए नजर आते हैं। तो आज की जो यात्रा है वो बड़ी ही गंभीर भाव के साथ है कि गुरुदेव ने चिंतन वर्षों पहले दिया कि पर्यावरण के प्रति एक समर्पण का भाव हमारे मन में होने की आवश्यकता है। जो कैंपस है ये जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, हर चीज़ को हम लोग रिसाइकिल करते हैं, कपड़ा हाथ का है, जितना कूड़ा है वो कागज़ में बदलता है, जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है वो गार्डनिंग वाटर में और कुकिंग की गैस में बदल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी 34% सोलर से आती है। और इसी विश्वविद्यालय के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि यदि डिग्री हो पाना तो 5 वृक्ष लगाना, कि व्यक्ति को यदि डिग्री की आवश्यकता है तो पहले 5 वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। और वो संकल्प हम लोग कहेंगे कि सिर्फ विश्वविद्यालय से ही प्रारंभ होकर विश्वविद्यालय पर समाप्त न हो बल्कि भारत के अनेकों विश्वविद्यालयों तक पहुँचे, ये हम लोगों का एक भाव होगा कि उसको हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। और आज के शुभ दिन हम लोग एक तरफ तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो यात्रा आज से 12 वर्ष पहले शुरू हुई वो आज एक बड़े ही सौभाग्यशाली मुकाम पर पहुँच चुकी है। और एक दृष्टि से हम लोग आशा की दृष्टि से देखते हैं कि जो चिंगारी थी जो आज बढ़ते बढ़ते दावानल का रूप ले चुकी है वो धीरे धीरे अन्य लोगों तक भी पहुँचे, और ये जो दीपक हैं जो आज कुछ स्थानों पर जल रहे हैं वो पूरे देश में दीपावली का आकार और स्वरूप ले सके, ऐसी पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, माँ गायत्री से प्रार्थना है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएँ। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के माध्यम से हम सभी ने वह प्रेरक संदेश पाया, वह कार्यक्रम की पृष्ठभूमि से अवगत हुए, हम आदरणीय सर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी युवावस्था से ही जन सेवा के कार्यों में अपनी अभिरुचि को प्रस्तुत किया, आगे बढ़ते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे दशकों तक उन्होंने अपने राज्य की सेवा की व साथ ही साथ अपने राज्य के अपने पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वहाँ से आगे बढ़ते हुए चाहे मंत्री पद में उन्होंने पर्यावरण संभाला हो, वित्त संभाला हो, योजना विभाग संभाला हो, पर्यटन संभाला हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने जल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के कार्य किया, चाहे यूनाइटेड नेशंस की योजना और पॉलिसी को अपने राज्य में लागू करना हो, चाहे विविध स्टैंडर्ड्स पर कार्य करना हो, लेकिन उनके हृदय के जो सबसे ज्यादा करीब है वह है पर्यावरण और वृक्षारोपण का वह पुनीत कार्य, जिसको लेकर के उन्होंने 50 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया और उसे पूरा करने के लिए टीम ने कार्य भी किया। लिमिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनकी उपलब्धि दर्ज है और वे महाराष्ट्र हरित सेना को लेकर के कार्य करते हैं, हेलो फॉरेस्ट हेल्पलाइन को लेकर के कार्य करते हैं और साथ ही साथ गायत्री परिवार से जुड़ करके श्रीराम स्मृति उपवन
को जन जन तक ले जाने को उन प्रेरणाओं से भी प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं। आज ही हम सभी का परम सौभाग्य है कि वे इस 600वें रविवासरीय वृक्षारोपण समारोह के इस ऐतिहासिक आयोजन में देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार पधारे हैं। आप सभी के बीच विशिष्ट अतिथि उद्बोधन प्रदान करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ जनप्रतिनिधि माननीय पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी को कि वे कृपया हम सभी के मध्य पधारें, वे हम सभी को अपना विशेष मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी। यहां पर उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, आदरणीय कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय माननीय शरद पारधी जी, आदरणीय प्रतिकुलपति श्री डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय कुल सचिव श्री बगदाव देवगान जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय देशभक्त भाइयों, युवा साथियों, माँ बहनों, मैं सर्वप्रथम डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को तहे दिल से, हृदय से, अंतकरण से धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस देवभूमि में पधारते हुए मुझे बहुत समाधान और खुशी है। हरिद्वार में आने का पहला मौका है और इस पवित्र वातावरण में, इस विश्वविद्यालय के परिसर में जब डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मुझे यहाँ के वास्तु के दर्शन के लिए अपने गाड़ी में बैठा कर घुमाने का कार्य शुरू किया तो मन में यही भावना थी कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस संस्कारों को जन जन के मन मन तक पहुँचाने का जो कार्य शुरू है, भगवान केदारनाथ भर भर के आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे। मैं मेरी ओर से कोलकाता से जो हमारे रवि भाई और उनकी टीम आई है उनको भी बधाई देता हूं। 600 सप्ताह यानी करीब करीब 12 वर्ष एक ऐसी तपश्चर्या की शुरुआत उन्होंने की कि जो वसुंधरा पर्यावरण के संतुलन के लिए हमारे वसुंधरा माँ के कर्ज को वापस करने के लिए इस उनके कार्य को भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे भाई रवि जी, उनकी टीम को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने वृक्ष नहीं लगाया, उन्होंने एक ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाया है। और उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिन्होंने 600 सप्ताह वृक्ष लगाने का पवित्र कार्य किया, भगवान उनको 120 साल से ज्यादा ऑक्सीजन दे, ये भी भगवान के चरणों में मैं शुभकामना करता हूं। सही तो इस परिसर में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का कार्य किया जाता है। मैं मन में हमेशा ये सोचता हूं कि ये कार्यों का महत्व कलयुग में तो सबसे ज्यादा है। जहां हम अपने देश में, जहां देव संस्कृति मानी जाती है, जहां 33 करोड़ भगवानों को माना जाता है, रोजमर्रा में कई कथाएं, कई वार्तांकन हम पढ़ते हैं तो वेदना होती है। मगर कभी कभी मन में यह भावना भी आती है कि ऐसे वातावरण में, शांतिकुंज में काम करने वाले ऐसे हजारों लोग हैं जो समाज निर्माण के कार्य के लिए अपने जीवन के अनमोल क्षण अर्पण कर देते हैं। मुझे याद है कि 1999 में मैं कुछ दिनों के लिए मंत्री बना था, मेरा फर्स्ट टर्म था। पहली बार 16 मार्च को मैं चुन कर आया और मुझे 99 में कैबिनेट मंत्री टूरिज्म बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया। 99 तक वैसे मैं देश में घूमा नहीं था, एक दिन राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली के लिए चल पड़ा। वैसे एयर कंडीशन में बैठने वाले, हवाई जहाज में बैठने वाले ये आपस में बात बहुत कम करते, क्यों कम करते मुझे पता नहीं।
मगर जो बैठता है वो सामने वाले से बात करते समय यही सोचता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। सही तो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है, मगर यहाँ पर वो बात नहीं होती। मगर उस गाड़ी में बैठने के बाद हमको तो आदत थी बात करने की, सामने कोई एक भगा आदमी बैठा था, हमने बात शुरू कर दी आदत के अनुसार। पहले तो बात करने से जरा कचर रहा था, बाद में उसने भी शुरू की। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप व्यवसाय क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी कानपुर में एक बहुत बड़ी पेपर की मिल है, पेपर एंड पल्प मिल, मगर कागज बनाते हो। अच्छा, मेरे भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1953 से कागज बनाने का बगारशा पेपर मिल नाम का बहुत बड़ा उद्योग है, बातें शुरू हुई। मगर बातों में एक बात ध्यान में आई कि उन्होंने कहा मैं 125 देशों में कागज एक्सपोर्ट करता हूं। तो मन में भावना आई, क्योंकि तब तक मैंने भारत के बाहर कभी कदम भी नहीं रखा था, कोई देश नहीं देखा था, तो उत्सुकता थी होती है कि बाकी देश कैसे होंगे। कोई देश मैंने देखा नहीं था, मैंने सहजता से पूछा कि भाई साहब आप 125 देशों में कागज एक्सपोर्ट करते हो, कितने देश आप घूम कर आए? उन्होंने कहा मैं 124 देश घूम कर आया। तो फिर सहजता से मेरा अगला प्रश्न कि 124 देश आप घूम कर आए हो, सबसे सुंदर अच्छा देश कौन सा? 10 सेकंड बड़े पवित्र भावना से उसने आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोल कर मुझे बोला कि शायद हजारों जन्मों का मेरा पुण्य होगा, मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इससे सुंदर देश कोई नहीं हो सकता। और यहां पर आने के बाद उसी भावना को पहुंचाने का कार्य इस परिसर में हो रहा है। यह बात सही है कि मैं 5 वर्ष फाइनेंस प्लानिंग और फॉरेस्ट मिनिस्टर था, एक तरफ मेरे तरफ धन मंत्री का काम था, दूसरी ओर वन मंत्री का भी काम था। एक बात समझ में आ गई कि एक तरफ मैं धनमंत्री हूं, फाइनेंस मिनिस्टर हूं, दूसरी तरफ फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं। धन इस जन्म के आखिरी सांस तक काम आएगा और वन अगले जन्म के पहले सांस से काम शुरू कर देगा। और जब मैं इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक अमेरिकन फिलोसॉफी करने वाले का वाक्य बहुत पसंद आया। उसने कहा कि वनशास्त्र बड़ा है या अर्थशास्त्र धनशास्त्र बड़ा है, इसमें जब कभी आपके मन में कोई संदेह हो जाएगा, शंका हो जाएगी, तो सिर्फ एक प्रयोग करना कि नोट गिनते समय सांस बंद कर लो, ध्यान में आ जाएगा कि अर्थशास्त्र बड़ा है या पर्यावरण शास्त्र बड़ा है। और फिर मैंने तय किया कि महाराष्ट्र में 50 करोड़ वृक्ष लगाना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें यह कहती है कि कोई भी बच्चा मां का कर्ज नहीं उतार सकता, मगर एक मां हमारी जन्म देने वाली है जिसका कर्ज हम उतार नहीं सकते, इस जन्म में भी नहीं उतार सकते, अगले जन्म में भी नहीं उतार सकते, मगर एक और मां है जिसका कर्ज उतारना यह हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, वो वसुंधरा मां। आज रोज बिना पैसे दिए हुए कम से कम हम 23,000 बार सांस लेते हैं, बिना पैसे दिए हुए ये वसुंधरा मां, ये वृक्ष, ये पेड़ हमें 2100 रुपए का ऑक्सीजन देते, 2100 रुपए का। आप सोचो कि अगर 80 साल की हमारी जिंदगी होगी तो 6,13,20,000 रुपए का प्राणवायु ये हमें वसुंधरा मां देती है, पैसे नहीं लेती, कोई बिल नहीं भेजती। अब 6,13,20,000 रुपए का प्राणवायु देने के बाद अगर जिंदगी में हम 200 रुपए के 5 पेड़ नहीं लगा सकते तो भगवान भी अपने अकाउंट में इतना कर्ज लिखवा देगा कि अगली जिंदगी में कष्ट और तकलीफ होगी। और इसीलिए पद्म पुराण खंड 58 में कहा जाता है कि स्वर्ग में जाना है तो सबसे सहज काम, सरल काम, सुलभ काम अगर कोई है तो पद्म पुराण कहता है कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओगे तो स्वर्ग का द्वार दिखेगा। और इसीलिए एक बात सही है
कि हमारा देश कभी कमजोर नहीं था। 1750 में हमारे देश का जीडीपी इनकम ये विश्व में अगर एक रुपया निर्माण होता था तो 25 पैसे हमारे होते थे, 1/4 विश्व के। इसीलिए तो आक्रमणकारी आए, कोई भीख मंगे देश पे आक्रमणकारी थोड़ी जाएंगे। आक्रमण होते रहे, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि सोने की चिड़िया, दूध की नदियां, ये शब्द किसी देश के लिए नहीं कहे जाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए कहे जाते थे। मगर 1820 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और हमने जंगलों को तोड़ना शुरू कर दिया। कभी कभी लगता है कि 4,32,000 वर्ष को एक कलयुग में माना गया है, उसमें अभी तो 5,121 वर्ष ही पूरे हुए हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। अरे मनुष्य, ये योनि सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई। 84 लक्ष योनि में अगर कोई श्रेष्ठ योनि है, कर्म योनि, भोग योनि, जिसके किस्मत में आती है वो तो मनुष्य है। बाकी सब प्राणियों को सिर्फ भोग योनि है, वो कर्म नहीं कर सकते। कोई हिरन घास नहीं लगा सकता, हिरन सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए भोग योनि जीता है, मनुष्य को तो कर्म योनि दी। मगर कभी कभी लगता है 5,121 वर्ष के इस कलयुग में हमने कभी महाभारत का जो पात्र था, एक कि जिसका पेट कभी भरता नहीं था, उसको बकासुर नाम से जाना जाता था। क्या बकासुर से हमारा कोई रिश्ता है? हम पर्यावरण का शोषण करते हैं, भगवान ने भर भर के दोहन करने के लिए दिया और हम सभी लोग हम उसका शोषण करने में पुरुषार्थ समझते हैं। 1820 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, अगर 50% जंगलों को हमने नष्ट कर दिया तो एक बात तो हमको ध्यान में रखनी होगी कि मनुष्य सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो वृक्ष सृष्टि समाप्त नहीं होगी। मगर जिस दिन वृक्ष सृष्टि समाप्त हो जाएगी, एक मनुष्य भी नहीं बच पाएगा। और सही तो प्राणी वृक्ष हमसे सीनियर है, 456 करोड़ वर्ष के इतिहास में, 456 करोड़ वर्ष के इतिहास में हम तो अभी 7,000 साल पहले, 6,000 साल पहले कृषि पे हम बैठे हैं। अभी तो हमको 1 करोड़ वर्ष भी नहीं हुआ इंसान को, मगर हमने जो काम किया वो कोई प्राणियों ने नहीं किया, क्योंकि हमने 84 लक्ष योनि में 83 लक्ष 99,000 योनि ये सृष्टि चक्र के साथ चलती है, कभी सृष्टि का नुकसान नहीं होने देती। अकेला इंसान है जो अपने आप को सबसे शाना समझता है, उसने सृष्टि का नुकसान किया है। अमृत महोत्सवी वर्ष है ये हमारे देश के स्वाधीनता का। ऐसे समय हम सभी को वन पर्यावरण बचाने के अमृत को गांव गांव तक पहुंचाना होगा। आज हम रवि भाई साहब और उनके टीम को धन्यवाद देने आए हैं, शुभकामना करने आए हैं, अभिनंदन करने आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। मगर सिर्फ बधाई अभिनंदन करते हुए हमें रुकना नहीं है। मैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, यहां पे वृक्ष लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज विश्व को इसका महत्व समझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये राक्षसी शब्द हमारे डिक्शनरी से बाहर कभी नहीं थे। मैं भी बचपन में कभी किसी शिक्षक के माध्यम से सुनता नहीं था कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। मगर 2013 में पेरिस में सब लोग एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर इस देश के नहीं पूरे विश्व की चिंता करते हैं, क्योंकि बात सीधी है, धन से तन को समाधान मिलता है, धन से तन को समाधान मिलता है और वन से मन को समाधान मिलता है। और इसीलिए किसी कवि ने सहजता से कहा था, मृत्यु का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यों नहीं बचाए हमने वृक्ष, यह सोच मानव पछताएगा, मगर हमें तो पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। और इसीलिए रवि भाई साहब 600 सप्ताह वृक्ष लगाते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा लेकर आज इस देवभूमि के विश्वविद्यालय के माध्यम से ये कार्यक्रम नहीं हमारे लिए, एक दिशा देने का कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको ये जिम्मेदारी लेना होगा, नहीं तो फिर
रुका नहीं अगर धरती पर वृक्षों का विध्वंस, खत्म यहां फिर हो जाएगा मानव का वंश। तो मानव का शत्रु कोई शेर नहीं है, मानव का शत्रु और कोई जानवर नहीं है, मानव का सबसे बड़ा शत्रु होगा तो वो खुद है। और इसलिए अपने मन में जो धारणा है, भावनाएं है, ये वृक्ष लगाने की धारणा को, भावना को बढ़ाने का काम करना होगा। मैं वन मंत्री हुआ उस दिन एक मेरे ही विभाग के आर एफ ओ ने, क्योंकि हमारे यहां पे वन मंत्री को फॉरेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है, उसने बड़े कागज पर मुझे बहुत अच्छी बात लिख के दी। मगर फॉरेस्ट का अर्थ क्या है मंत्री जी, मैं आपको एक कागज पे लिख के दे रहा हूं। और उसने लिखा कि फॉरेस्ट के एफ से सृष्टि को, मानव को कभी फ्रूट मिले, कभी फूड मिला। फॉरेस्ट के ओ से ऑक्सीजन मिला। आर से जब भी बरसात होती है वो इस आर से होती है, क्योंकि जहां वन है वही जग है, जहां जग है वही तुम्हारा मेरा कल है। जहां पे वृक्ष नहीं लगेंगे बरसात नहीं आती। और ये मैं अनुभव कर चुका हूं, मेरे यहां मराठवाड़ा में 4% जंगल था, 4-4 साल वहां पे सूखा। और जहां मैं रहता हूं वहां पे 58% जंगल है, वहां पे तो 1100 मिलीमीटर बरसात एवरेज में होती है, पानी की कोई किल्लत नहीं है। और वही मैं मराठवाड़ा जाता हूं, वहां पीने के पानी के लिए 30 दिन में एक बार नल आता है, 30 दिन में, आप सोचो। फिर उसने कहा कि ई फॉर एनर्जी। और इसीलिए संत साधु ये हमेशा वृक्षों के बीच में रहे। फिर मेरे ध्यान में आया जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है वहां तो उत्सव होता है। जब मैं एक बार अमेरिका में गया था, अमेरिका के एक शहर में, वहां बहुत बड़े पैमाने पे कैसीनो है। और उस कैसीनो को मैं तो नहीं खेलता, मगर वहां इतने कैसीनो है, तो मैंने सहजता से प्रश्न पूछा कि इतने कैसीनो यहां है, लोग विश्व के जुआ खेलने यहां आते हैं, थकते नहीं? मगर यहां 20-20 घंटा लोग जुआ खेलते हैं कैसीनो में। तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि यहां पे रात में कैसीनो में खेलते हुए नींद नहीं आनी चाहिए करके, जो मात्रा में हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे दुगना तिगना ऑक्सीजन यहां छोड़ा जाता है, तो इनमें एक एनर्जी होती है। तो मन में यही भावना आई कि इसीलिए शायद हमारे वनवासी भाइयों, जंगल में रहने वाले भाइयों, हमारे संत महंत, हमारे साधुओं ने जंगल में रहना क्यों पसंद किया? तो जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, जहां शुद्ध हवा है वही शुद्ध विचार आएंगे, और जहां शुद्ध विचार है वही शुद्ध कृति हमारे हाथों से होगी। नहीं तो प्रदूषण के इस वातावरण में एक रिसर्च नीरी के माध्यम से किया गया, उन्होंने कहा कि जहां पे बिगड़ा हुआ पर्यावरण है, जहां पे वायु प्रदूषण है, तो वहां आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैंने महाराष्ट्र की जनता से आह्वान किया था एक सभा में कि अगर कोई पत्नी गुस्सा करती है या पति अपने पति पे गुस्सा करता है तो गलती उनकी नहीं है, पर्यावरण बिगाड़ने वाले पर्यावरण मंत्री की है। अगर किसी को देश दोष देना है तो पति ने पत्नी को नहीं, पत्नी ने पति को नहीं, दोष पर्यावरण मंत्री का है जिसने पर्यावरण को सुधारने का कार्य नहीं किया, पर्यावरण को शुद्धता के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इसीलिए विश्व में आज 193 देश ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। पहले हर देशों के बारे में उसका आकलन मूल्यांकन ये धन संपत्ति के आधार पे होता था कि कौन सा देश कितना अमीर है, अमेरिका कितना अमीर है, यूरोप की कंट्रीज कितनी अमीर है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर कैपिटा इनकम की बात की, पर कैपिटा इनकम। अब सूत्र बदल गया, अब पर कैपिटा इनकम की बात नहीं होती, अब बात होती है हैप्पीनेस इंडेक्स की। हमारे देश में रिसर्च किया जा रहा है, अमेरिका में 20 लाख विद्यार्थी ये संस्कृत में जो ज्ञान है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जर्मन में डिप्लोमा इन इंडोलॉजी सिखाया जा रहा है। विश्व का कोई गुरु हो सकता है तो हमारा देश हो सकता है, ये भावना विदेशियों में जा रही है। मगर दुख इस बात का है कि दिए के तगे अंधेरा है, हमारे देश की संस्कृति महान है, हमारे देश का विचार महान है, मगर उस विचारों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारे देश में जिस गति से होना चाहिए वो गति बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में आज यहां आते समय मुझे
बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जिस बात की रुचि है वृक्ष लगाने की, और मुझे विश्वास है कि धन तो आखिरी सांस तक काम आएगा, ये वन भगवान मेरे अकाउंट में अच्छे से ऑक्सीजन घिंचेगा, क्योंकि वन से हमें आगे जाने के लिए एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो मैं यही आपको शुभकामनाएं देते हुए यही आवाहन करूंगा कि यहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हो, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हो, और यहां आए हुए हमारे रवि भाई साहब हो, एक विचारों को लेकर वो आगे जा रहे हैं। उस विचारों को वो अकेले लेकर जाए तो काम नहीं बनेगा, एक अकेला थक जाएगा, साथ ही याद बढ़ाना। एक बहुत अच्छी कविता किसी ने लिखी थी कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, खेल रचाया लकड़ी का, जिसमें तेरा जन्म हुआ पलंग बनाया लकड़ी का, माता तुम्हारी गोरी गाय वो पालना था लकड़ी का, पढ़ने जगा जब पाठशाला में लेखन पाटी लकड़ी की, गुरु ने जब जब डर दिखलाया वो दंडा था लकड़ी का, जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का, वृद्ध हुआ चल नहीं पाया लिया सहारा लकड़ी का, डोगी पाल की और जनाजा सब कुछ है लकड़ी का, जन्म मरण के इस मेले में है सहारा लकड़ी का, उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का, एक पगक में खाक बनाया, खेल था सारा लकड़ी का, खेल था सारा लकड़ी का। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने जो अपने अनुभव जन्य उत्प्रेरक वचन कहे, निश्चित ही उससे प्रेरणा लेकर के हम सभी आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितृवणेम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के 600वें सप्ताह को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज सुबह 7:30 बजे मैं दिल्ली के उत्तराखंड भवन से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जब एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, तब मैं अत्यंत आनंदित था कि मैं आज गायत्री परिवार के सदस्यों व पूज्य प्रणव पंड्या जी व मेरे अत्यंत प्रिय चिन्मय पंड्या जी से मिलूंगा। पर स्टेट प्लेन में आई तकनीकी खराबी के कारण मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आशा है आप सब इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ मैं शीघ्र ही आप सबके बीच में आऊँगा, मैं आप सबसे मिलूँगा। और जो आज कार्यक्रम में ना आ पाने का मुझे, मैं कहूँ कि काफ़ी मन में मेरे एक कष्ट है, उस कष्ट को आप सबसे मिलकर दूर करूँगा। मैं शीघ्र ही आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा पुनः इस महान कार्य को करने के लिए। आप सभी को, अखिल गायत्री परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में जब हम 600वां रविवासरी वृक्षारोपण समारोह एवं पर्यावरण संरक्षण के क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की पावन भूमि पर बैठे हैं, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के श्री चरणों में बैठ करके शिष्यत्व की साधना करके हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के जिन पलों को गुरु चरणों में अर्पित किया, विश्वभर में जाकर के गायत्री परिवार को वैश्विक मनीषा के मध्य में प्रस्तुत किया। आज का ये क्रम, जब इस 600वें रविवार के क्रम में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें सहज ही स्मरण आता है कि विचार क्रांति के माध्यम से युवा देश के युवाओं को दशकों पूर्व से दिशा देने हेतु युवा क्रांति वर्ष जैसी योजनाएं हों, चाहे साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन के क्रम में पूरे विश्व भर के युवाओं को आज से दशकों पूर्व प्रेरित करना हो,
मनस्थिति तैयार करने के लिए एक और जहां वो अपने प्रेरक उद्बोधन वैज्ञानिक अध्यात्म व जीवन प्रबंधन के देते हैं, तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में गीता और ध्यान की कक्षाओं के माध्यम से वे युवाओं के मनों को ऐसा गढ़ते हैं कि युवा सहज ही समाज के लिए कुछ करने को तैयार होता है। माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्याह के संकल्प को लेकर के ज्ञान दीक्षा में जब वे सबको आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ से आगे बढ़ करके ये तो 600वां रविवार जो कार्यक्रम वृक्षारोपण का चल रहा है, ये तो एक मील का पत्थर है, लेकिन इसके साथ पूरे देश और विश्व में अनेकों ऐसी टीमें हैं जो इस अभियान को लेकर के चल रही हैं, और साथ ही साथ चाहे वृक्ष गंगा अभियान की बात हो, चाहे शांति कुंड स्वर्ण जयंती वर्ष पर स्वर्ण जयंती वन की बात हो, चाहे तरु मित्र अभियान तरु पुत्र अभियान की बात हो, ऐसे विविध रचनात्मक अभियानों को जो सदैव प्रेरणा देते हैं और वैश्विक मंच पर जिनके माध्यम से मिशन जा रहा है, ऐसे सृजन सैनिकों को गढ़ने वाले हम सभी के आदर्श, हम सभी के प्रेरक परम श्रद्धे कुलाधिपति महोदय से हम प्रार्थना करेंगे कि वे आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में जिसकी प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव ने आपके माध्यम से ही GPYG कोलकाता को आज से 12 वर्ष पूर्व दी थी, ये आप संकल्पों के धनी स्वयं हैं और ये आपका क्रांतिदर्शी चिंतन है कि ऐसे कार्य बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस क्रम में निवेदन प्रार्थना मार्गदर्शन हेतु परम श्रद्धे से। आज के हमारे विशेष अतिथि माननीय श्री सुधीर मुनगंटीवार, जो इस समय एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में न केवल संघ की बल्कि राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे चंद्रपुर में मिला था पहले, महाराष्ट्र में, और चंद्रपुर के शैलेंद्र भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने। मेरा रवि से परिचय एक युवा साथी के रूप में हुआ कोलकाता में, और इसने जो है मुझे पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि बिना पेड़ लगाए ये क्रांति नहीं हो पाएगी, आपकी विचार क्रांति। मैंने कहा विचार तो यहाँ है और पेड़ हाथ में है, तो कैसे दोनों का संबंध होगा? तो आप कल्पना कीजिए कि मैं स्वयं जो है अपने आप में विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात करता हूँ। तो विज्ञान जो है वो हमारे दिमाग में है, तर्क में है, बुद्धि में है, पर जो अध्यात्म है वो है वृक्षारोपण में, अध्यात्म जो है साधना में, अध्यात्म जो है प्राणायाम में, और प्राणायाम के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, तो वो हमें देते हैं पेड़ वृक्ष वनस्पति। इसलिए कहीं भी किसी भी रूप में हम इन आयोजनों के माध्यम से कोई उल्टा काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। आप इस बच्चे के बारे में सोचिए, रवि के बारे में, इसको एक बहुत असाध्य बीमारी थी जिसका इसने मेरे कहने पर, मेरे जोर देने पर इसने ऑपरेशन करा लिया। प्रहलाद जी इनके पिताजी पीछे बैठे हैं और मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने रवि के पीछे हाथ लगाए रखा। टेक्समेको कंपनी है कोलकाता में और वहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, जूट मिलें बहुत ज़्यादा हैं, तो इन लोगों ने वहीं से चालू किया जूट मिलों में ही। और मैंने जब इनको मोटिवेट किया तो इन्होंने कहा कि हम हर दिन हर सप्ताह लगाएंगे। मैंने कहा बेटा इतना असंभव टारगेट मत लो तुम कि हर सप्ताह लगाएंगे। बोले हमारा कोई भी काम रुक जाए पर हम हर सप्ताह पेड़ लगाएंगे, वृक्ष वनस्पति लगाएंगे। इन्होंने औषधीय वनस्पतियाँ भी लगाई और वृक्ष जो ऑक्सीजन देते हैं हमें वो भी लगाए, और बड़ा हिम्मत के साथ 600 सप्ताह इन्होंने पूरे अनवरत काम किया है, और उसके बाद यहाँ आए हैं अभी बीच में, हमारे बीच में बैठे हैं। ये जो आपके सामने आगे की तरफ जो बैठे हैं ये कोलकाता के हमारे परिजन हैं, कुछ इसमें कालीकट के हैं। तो ये जो हमारा गायत्री परिवार है ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में काम करता है और पूरे विश्व को ये मैसेज देता है कि कुछ नहीं कर सकते तो जन्मदिन पर, कुछ नहीं कर सकते तो अपने पावन दिन जो भी आपको अच्छा लगता हो, या पर्व के दिन त्यौहार के दिन आप वृक्षारोपण जरूर करिए। और हमने एक कड़ी बना दी कि यहाँ से वृक्ष मिलेंगे आपको। हमारे बीच में बैठे हैं केदार दुबे जी जो हमारे युवा आंदोलनों को चलाते हैं। इन्होंने वृक्ष वनस्पति की नर्सरी लगाई जगह जगह, और उसका परिणाम ये हुआ कि किसी को अनअवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी उपलब्धता नहीं होगी, उपलब्धता नहीं होगी।
अपनी उपलब्धता है, हर एक की उपलब्धता है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, तुलसी का पेड़ लगा लीजिए। हमारे यहाँ तुलसी चौरा कहा जाता है, वो हर हर घर में आंगन में लगाया जाता था। और तुलसी तो सारी बीमारियों की का इलाज है। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी है तुलसी के ऊपर, और उस किताब के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड प्रिंटिंग हुई और अभी भी बराबर ऑर्डर्स आते हैं तुलसी के लिए। ये जो हमारे कोलकाता के बच्चे आए हैं, ये ज़्यादा नज़दीक से नहीं आए हैं कि चलो अब सुबह चलते हैं शाम को आ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, ये कोलकाता से चल के यहाँ तक आए हैं और सब एक साथ आए हैं, टीम स्पिरिट। ये बहुत बड़ी बात है कि सब साथ मिलकर के काम करेंगे और हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी 600वां सप्ताह है इनका, 1000वां सप्ताह होगा तो मैं इनके बीच में रहूँगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मालूम नहीं, मेरा स्वास्थ्य गुरुदेव माता जी बनाए रखें तो मैं 1000वें सप्ताह में जरूर आऊँगा। मैं आऊँगा, चिन्मय आएंगे और हमारे यहाँ से बहुत लोग रहेंगे। और अगर आपकी आपको कोई मजबूरी ना हो तो आप यहाँ मनाइए 1000वां सप्ताह, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे देश के लोगों को बुला लेंगे। वृक्षारोपण से जुड़े हुए जितने हमारे देश के कार्यकर्ता हैं सब आ जाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों का अस्तित्व हमारी आरण्यक संस्कृति कहलाती है। आरण्यक संस्कृति मतलब जो वन है, जहाँ रहेंगे वहाँ पर हम सब मिलकर के काम करेंगे। और जब से वन कटना चालू हो गए, जब से हमारी डिमांड बढ़ गई कि हमारे फर्नीचर के लिए चाहिए, हमें हमारे मकान बनने हैं उसके लिए जगह खाली चाहिए हमें, तो फिर पेड़ कटने चालू हो गए। ये जो पेड़ कटने चालू हुए हैं इनको रोकने का काम आपको करना पड़ेगा। आप जिस क्षेत्र में आए हैं इसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो देवी हैं वो बहुत सारी देवियां हैं, परंतु एक देवी यहाँ गोरा देवी मानी जाती है जिसने चिपको अभियान चालू किया था। वृक्ष, जहाँ वृक्ष कटने की बात आती थी ये अपने साथियों को लेकर के जाती थी। ये ऊपर टेहरी डैम जहाँ बना है इससे ऊपर की एरिया में रहती है, अभी भी है, और जाके पेड़ से चिपक जाना, तो पेड़ कुल्हाड़ी ले लेके लोग आते थे काटने के लिए, तो वो लोग कटने नहीं देते थे उसको। इस चिपको अभियान की वजह से, उस गोरा देवी के अभियान की वजह से, बाकी तो कई लोगों ने पॉलिटिक्स कर ली उसके नाम पर, इनमें हमारे सुंदरलाल भगुणा जी भी हैं और कई लोग हैं, परंतु तो उस पॉलिटिक्स को अलग रख दें तो एक काम करें कि हम अपने सामने किसी वृक्ष को नहीं कटने देंगे, हरे वृक्ष को। बड़ा होने में कितना टाइम लगता है? आपका बेटा बड़ा होने में 10 साल लेता है, 12 साल लेता है, 15 साल लेता है, और 20 साल में जा कर के उसकी ऐसी स्थिति होती कि कहता है कि पापा मेरे को विदेश जाना है, मैं काम करना है, मैं नौकरी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जब वो कहता है तब तक आपके सामने 20 साल का उसका पूरा समय आ जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने MBBS किया, MD किया मेडिसिन में, और जो भी कुछ मेरी क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी जीरो हो जाती है जब मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूँ। गुरुदेव ने मेरी डिग्री को एक तरफ रख के कहा, अब तुम यहाँ से अखंड ज्योति लिखना चालू करो। उस समय अखंड ज्योति करीब 3.5 लाख निकलती थी, आज अखंड ज्योति 6.5 लाख पत्रिका छपती हैं हर साल, हर महीने, और जाती हैं घर घर में। मेरा ऐसा भरोसा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि ये इसकी संख्या भी और बढ़ेगी, पर छपेगी कहाँ? कागज़ पर। और कागज़ बनेगा कैसे? पेड़ों से। तो ये थोड़ा सा एक बहुत इंट्रिकेट लिंकिंग है हमारी और रवि की, हमारी और वनों की, हमारी और जनता की, जनता की और रवि की, जनता की और सारे के सारे वन आरोपण करने वाले कार्यकर्ताओं के। इसलिए ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रयोग है जो हम लोग कर रहे हैं वृक्षारोपण के माध्यम से। रवि आ तो गए थे परसों, पर मैं नहीं मिल पाया कल, मैंने सोचा चलो यहीं मिल लेंगे इसी माध्यम से। और आप सबको खूब खूब भाव भरा धन्यवाद कि आपने तीर्थ तक प्रतीक्षा की, वेट किया और यहाँ बैठे। ये जो मिशन है ये बहुमुखी मिशन है। गायत्री परिवार की वजह से ही बहुत कुछ जिंदा है संसार में, संस्कृति जिंदा है संसार में,
अध्यात्म अध्यात्म जिंदा है और अध्यात्म और विज्ञान का स्वरूप जिंदा है। ये गायत्री परिवार को का प्रॉमिस है पूरी आम पूरी विश्व को कि जब तक हम हैं तब तक आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष सब कुछ करके दिखाएगा, जो कुछ भी इसके पास संभव है वो सब करके दिखाएगा। हम लोग मिलकर करेंगे सब काम। हमारे पास एक बहुत बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की, वो बूढ़ी होती जा रही है, निकलती जा रही है, रिटायर होती जा रही है और गुरुदेव के चरणों में जा रही है, परंतु ये नई नई पीढ़ी आ रही है, पूरी नई पीढ़ी, और ये नई पीढ़ी जो है पूरी तरह से जुड़ती चली जा रही है। गायत्री मंत्र में, यज्ञ में, पर्यावरण संरक्षण में, इन सब में बहुत जान है, बहुत जान है। और ये सब के सब विज्ञान सम्मत हैं, पूरे पूरे गायत्री मंत्र विज्ञान सम्मत है। गायत्री मंत्र से ही इतनी शक्ति मिलती है जिसके माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे चिन्मय ने बताया कि जब वो हो रहा था समुद्र मंथन, तब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकली वो निकली अमृत। पर ये अमृत कहाँ से आता है? ये अमृत आता है गायत्री मंत्र के माध्यम से। आप उसको दोहन कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़े हैं। इस मोड़ के बाद अगला मोड़ जो है वो है सतयुग का, नवयुग का। 2026 से 2040 तक ये जो 12-14 वर्ष हैं ये बड़े परिवर्तनकारी वर्ष हैं। इस वर्ष भी जो आने वाले समय में 1.5-2 साल हैं, इनमें पर्यावरण की दृष्टि से आप देखिए जो युद्ध हो रहा है वो भले एक ही देश में हो रहा हो, रशिया में हो रहा हो, चाहे वो यूक्रेन में हो रहा हो, पर इसके प्रभाव सारे के सारे विश्व पे पड़ेंगे। और मैंने पुतिन का लेक्चर सुना जिसमें उसने कहा है 8 तारीख को विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, इसी 8 मई को, वो कह रहा है 8 मई को शुरू हो जाएगा। विश्व युद्ध कौन करता है? जिसको कैपिटल गेन की संभावना हो। उसके घर का कोई आदमी नहीं मरता, उसके देश के आदमी मरते हैं, बाहर के देश के आदमी मरते हैं, पर ये विश्व युद्ध की मानसिकता है ये भौतिकवाद से आई है। और ये भौतिकवाद को हमको अध्यात्मवादी बनाना पड़ेगा। भौतिकवाद जब बदल जाएगा, अध्यात्मवादी बन जाएगा, तो अध्यात्म गुरुदेव ने लिखा है, किताब लिखी है, अध्यात्मवादी भौतिकता ही अपना ही जाए। भौतिकता कैसी? जिसमें स्पिरिचुअलिटी का पुट हो। बस आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आप मान करके चलिए 22, 23, 24, 25 ये तो हैं बोने के वर्ष। बोना मतलब फसल बोते हैं उसको, और उसका वो है 26 के बाद काटने के वर्ष। हम अपनी फसल काटेंगे और लोगों को बताएंगे देखो कैसे देश, एक देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे राष्ट्र के प्रधान ऐसे हैं और जो तंत्र है उनको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन जब आएगा तो ऐसा आएगा कि देखते देखते लोग केवल भारत की ओर निगाह करेंगे। जैसे एक ज़माना था जब नालंदा तक्षशिला के लिए लोग यहाँ आते थे, और जैसा मुनगंटीवार जी ने कहा कि हर चीज़ के लिए भारत की तरफ दृष्टि जाती थी, अब जो है आने वाले समय में सारे विश्व का निगाह, सारे विश्व की दृष्टि भारत की ओर जाएगी, और भारत को उसका जवाब देना पड़ेगा। कौन देगा? आप लोग जवाब देंगे। इतने पीछे बैठे हैं मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी के, इन सबको भारत का राजदूत बनना है, भारत का एम्बेसडर बनना है। जब आप बनोगे एम्बेसडर तब आप देखना क्या करते हैं, परिवर्तन आता है पूरा पूरा। बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आदरणीय मुनगंटीवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने कम समय में भी आए, और ये पहली बार आए हैं हरिद्वार। मैं समझता हूँ कि जब भाग्य उदय होता है किसी का तो पहली बार कहीं आने से होता है। तो आपका भी भाग्य उदय हो, राजनीति में भी और संघ में भी, और देखते देखते आप एक बार नहीं, अब आप परिवार के सहित आइए यहाँ पे, और यहाँ का जो हरितिमा से भरा हुआ जो स्थान है उसको देखिए। हम जो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा निर्माण हो, चाहे वो कागज का निर्माण हो, उसको देखिए और उसको चलाइए, जगह जगह चलाइए। हम सब जगह नहीं जा सकते, पर आपके एक कहने मात्र से बहुत जगह ये चीज़ें चालू हो सकती हैं। और लोग जो हैं, जब एक कागज की जो आर्टिफिशियल पेपर है
वो जो पेपर है जिससे वो लिखते हैं उसको फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं, कचरा करते रहते हैं, उसके बजाय ये जो नेचुरल कागज़ है पर्यावरण को की रक्षा वाला, इसको एक एक चीज़ नहीं है, पर्यावरण में कई चीज़ जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण, वातावरण, वात आवरण, जो वायुमंडल का जो पूरी तरह से परिवर्तन कर दे। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया समय में हमारे आदरणीय पूर्व वन मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब प्रधान प्रधान महाराष्ट्र के प्रधान मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, मैं इनसे दो तीन बार मिल चुका हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगा है कि इस व्यक्ति के अंदर चिंगारी है, क्रांति की चिंगारी है, इसको करना चाहिए कुछ काम। ये करेंगे, काम करेंगे यहाँ से जाने के बाद, आज दिन में निकल जाएंगे 2 बजे, परंतु आ गए ये बहुत बड़ी बात है, अब आने के बाद ये आते रहेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में जिन्हें गुरुदेव ने स्वयं गढ़ा और जो जन जन को गढ़ रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धे का विशेष मार्गदर्शन हमें मिला। अब कुछ स्मृति चिन्ह भेंट और विमोचन का क्रम है और उसमें सर्वप्रथम आदरणीय श्री हमारे सुधीर मुनगंटीवार जी ये बैम्बू से बना हुआ विशेष भारतीय ध्वज प्रदान करना चाह रहे हैं परम श्रद्धे को, हम सभी करतल ध्वनियों के माध्यम से इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो विविध रचनात्मक अभियानों को लेकर के चल रहा है, उस क्रम का विशेष अभिनंदन इस माध्यम से करते हुए हमारे आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को प्रदान करते हुए ये बैम्बू ट्री से बना हुआ राष्ट्रध्वज। विमोचन का क्रम होगा और विमोचन के क्रम में हमारे डिजिटल मीडिया सेल जर्नलिज्म की मिलीजुली पेशकश संस्कृति संदेश दैनिक पत्रिका, दैनिक समाचार पत्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों की एक अभिनव पहल, साथ ही साथ हमारा ई न्यूज़ लेटर रनैसा का नया अंक और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और आप www.dsvv.ac.in पर जाकर के ये प्रॉस्पेक्टस देव संस्कृत विश्वविद्यालय की विवरणिका डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो अनेकानेक विद्यार्थी अपना भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं वे यहाँ पर इस प्रॉस्पेक्टस को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परम श्रद्धेय से प्रार्थना निवेदन कि वे माँ गायत्री का चित्र भेंट कर एवं स्वावलंबन प्रकल्प से बना यह विशेष जूट बैग प्रदान कर हमारे आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी का अभिनंदन करते हैं। माँ गंगा का पवित्र जल आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार, घर घर यज्ञ घर घर संस्कार, घर घर गंगा घर घर हरिद्वार देवस्थापना के भाव से माँ गायत्री के प्रेरणाएँ आशीर्वाद आपके माध्यम से आगे यहाँ पर जाता हुआ। आइए इसी क्रम में तरु पूजन हेतु यहाँ पर पूजन का क्रम संपन्न होगा परम श्रद्धे और हमारे आदरणीय श्री मुनगंटीवार जी के कर कमलों से। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मूले ब्रह्मा तना विष्णु शाखा रुद्रो महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराज नमोस्तु ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्वं स्वस्थनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आप पधारे हैं प्रतिनिधि रूप में, ये वृक्ष जो आप लेकर के जा रहे हैं ये आपका तरु मित्र है, ये आपका तरु पुत्र है। जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, विशेष आयोजन हो, परम श्रद्धे ने जो प्रेरणाएं दी हैं, शांति कुंज में विशेष रूप से तरु प्रसाद प्रदान किया जाता है। पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर के देश ही नहीं पूरे विश्व में अनेकानेक संगठन, गायत्री परिवार के हमारे युवा साथी यज्ञ के साथ, दीप यज्ञ के साथ इन आयोजनों को लेकर के चलते हैं। सभी का अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत आभार और यह तरु प्रसाद यहाँ से परम श्रद्धे के कमलों से ग्रहण करते हुए हमारे सभी साथी उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, भारत हो, विश्व हो, सर्वत्र यह अभियान यूं ही गति पाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।